इंतखाबात में सरप्राइज देंगे, वज़ीर आज़म जियाला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा लोग नू लीग को महंगाई लीग कहते हैं, नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूँगा। मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा, अपनी अना और जाती मफदात पर आवाम की खिदमत को तरजीह देनी होगी। नौजवानों को यूथ कार्ड और मजदूरों को मजदूर कार्ड देंगे, मौका मिला तो बलूचिस्तान में भी सिंध की तरह सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो की तरबियत करनी है, जो हमें आता है वो उसे सिखाना है। आसफ अली जरदारी का कोयटा में खिताब, बोले दीगर जमातों को नहीं मालूम, बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, इसकी तरक्की का फॉर्मूला हमारे पास है, हम बलूचिस्तान वालों को बलूचिस्तान का मालिक बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी मुकदमात में नंदों की मुदाखलत पर सख्त नाराज, लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी का चेयरमैन पीटीआई की बहनों से इख्तलाफात का खुलकर इजहार, लतीफ़ खोसा बोले इन बहनों को पता नहीं क्या मसला है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। लतीफ़ खोसा चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक अपने बयान पर कायम, सेनेटर अली जफर के ऐलान के हवाले से कहा जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान बोली लतीफ खोसा भी दुरुस्त कह रहे हैं और अली जफर भी सच्चे हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में होगा, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी, काबीना से मंजूरी जज के फैसले की रोशनी में ली गई। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से 24 नवंबर को शो कॉज नोटिस कलदम करार देने और शिकायत को खुली अदालत में सुनने की इस्तदा, मौकफ अपनाया कि 16 फरवरी 2023 को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बद नियति पर मुहिम का आगाज किया गया। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर क्या होगा, कहां से कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, नवाज शरीफ की क्यादत में अहम फैसलों के लिए लाहौर में बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला, एमक्यूएम की मरियम नवाज को भी कराची से इंतखाबात लड़ने की दावत, एमक्यूएम पंजाब से अपना उम्मीदवार लाने की ख्वाहिशमंद। निगरान सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत, इलेक्शन ड्यूटी के लिए महकमा दाखिला खजाना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा सर्विसेज के अफसरान तैनात न करने की सिफारिश। बेटा एक माए तीन, नादरा का अनोखा कारनामा, नादरा ने 17 साल उमर रजा की 3 माए लिख डाली, खातून ने नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद में पासपोर्ट हेड ऑफिस में लेमिनेशन पेपर फिर खत्म, पासपोर्ट की तैयारी रुक गई, बैकलॉग में यौमिया 30,000 का इजाफा, 6,57,000 पासपोर्ट पहले से जेरे इल्तवा हैं, नॉर्मल पासपोर्ट 3 माह में और अर्जेंट पासपोर्ट 1 से 2 माह में जारी किए जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता रोज 1600 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, 15 अगस्त 2022 से अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,87,593 हो गई। पाक फौज खवातीन को हुनरमंद बा इख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म, हसन खेल पिशावर के गवर्नमेंट हाई स्कूल शमशतो में डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम का आगाज, स्किल सेंटर में 60 से ज़ायद तालबात मुख्तलिफ कोर्सेज में तरबियत हासिल कर रही हैं, तालबात का पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का बाकायदा आगाज। भारत, कनाडा और अमरीका समेत दुनिया भर से सिखों की करतारपुर आमद। सिंध में 22 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां होंगी, सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, वादी नीलम और बाघ के पहाड़ों पर सफेद कार्पेट बिछ गई, मुतअद्दिद सियाहती मकामात के रस्ते बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद स्मोग में कमी, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले से छठे नंबर पर आ गया। कराची में आलूदगी बढ़ गई, आज फहरिस्त में दूसरा नंबर।